तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज जो है मैं अपने सिटी के स्पीड व्हील नेक्स्ट जेन टीवीएस में हूं और आज जो हमारे साथ बाइक है वो है टीवीएस अपाची आरटीआर 164V ब्लैक एडिशन। इसको आप डार्क एडिशन भी बोल सकते हैं, जैसे कि फोर व्हीलर में जैसे डार्क एडिशन आता है ना, उस तरीके से है। इसमें आपको जो है फुल्ली ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर छोड़ के आपको इस बाइक में और दूसरा कलर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसका नाम ही ब्लैक एडिशन रखा गया है, जिसमें हर एक चीज को आपको जो है वो ब्लैक रंग का देखने को मिलेगा। लोगो से लेकर आपका जो है ये पार्ट, हर चीज ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में इसी बाइक के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में, इसके एक शोरूम प्राइस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सब कुछ डिटेल में जानना है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कॉमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टीवीएस अपाची आरटीआर 164V जो है वो काफी सक्सेसफुल बाइक है, काफी पावरफुल बाइक है और अच्छे लुक के साथ भी आपको काफी स्पोर्टी लुक आपको देखने को मिल जाता है। अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो है 164V और एक है जो वो भी ब्लैक कलर है, लेकिन वो जो है फुल ब्लैक नहीं है, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है ये पार्ट्स जो है यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलता है। टैंक के ऊपर जो है आपको व्हाइट कलर का डिजाइन मिलता है। उसके बाद इसका जो लोगो है टीवीएस का जो घोड़ा होता है वो भी आपको जो है क्रोम फिनिश में सिल्वर कलर में देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है इसमें और इसमें, ये फुल ब्लैक एडिशन है और ये जो है ये ब्लैक कलर है, लेकिन उसमें आपको जो है वो क्रोम कलर का जो है वो फिनिशिंग देखने को मिलेगा बीच बीच में। लेकिन यहाँ पे जो ये ब्लैक एडिशन है उसमें आपको फुल्ली ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा। ये जो ये पार्ट है यहाँ पे भी फुल ब्लैक है। टैंक के ऊपर जो है आपको फुल ब्लैक देखने को मिल जाता है। आपको जो है जो ब्लैक लवर है ना, उनके लिए ये बाइक जो है वो परफेक्ट है और बहुत ही खूबसूरत सा लुक आपको प्रोवाइड कर देता है। बाकी आप बताइए कि आपको ये ब्लैक कलर वो कैसा लगा, वह कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हम इसके व्यू की बात करें तो ये इसका जो है फ्रंट लुक है जो काफ़ी अट्रैक्टिव और स्पोर्टी लुक फील कराता है। एलईडी डीआरएल्स के साथ आता है और यहाँ पे सिंगल चैनल एबीएस के साथ भी ये बाइक आती है, और यहाँ पे इंजन जो है इसका वो भी काफ़ी पावरफुल है, मैं डिटेल में इसमें बताऊँगा। और यहाँ पर इसका जो है ये रियर लुक ये वो भी काफ़ी स्पोर्टी फील आपको करा देता है। अब बात करते हैं इसके मेन जो है इंजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह है टीवीएस अपाची आरटीआर का इंजन है, एक सक्सेसफुल इंजन है जो काफी अच्छा पावर जनरेट करता है। 160cc का इसमें आपको सिंगल सिलेंडर फोर वेल्व एफआई इंजन देखने को मिल जाएगा। BS6 फेज 2 पे ये इंजन है और जो इंजन ये जो पावर जनरेट करता है, मैक्सिमम पावर 17.31 BHP का पावर जनरेट करता है। टॉर्क की बात करें तो 14.73 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और आपको ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ जो है ये इंजन देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपका लॉन्ग राइड जो है वो स्मूथ होगा और हीटिंग की इशू आपको नहीं होगी। बाकी पावरफुल काफी इंजन है और इसमें आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें हम फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक जो है आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। माइलेज की बात करें तो 40 से 45 किलोमीटर के आसपास जो है आपको इस बाइक से माइलेज देखने को मिल जाएगा।
और फ्रेंड्स इस बाइक में आपको जो है तीन मोड देखने को मिल जाएगा, आपको स्पोर्ट मोड, अर्बन मोड और रेन मोड, जो कि आपको जो है इसमें एबीएस का भी रहता है कमाल कि स्पोर्ट मोड में जो है आपका बाइक वो ज्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस निकालता है, अर्बन और रेन मोड में जो है आपका जो है एबीएस अच्छे से वर्क करता है ताकि आपका टायर जो है वो स्लिप ना हो। और हम अगर फ्रंट सेक्शन की तरफ देखें तो यहाँ पे तो ये देखिए ये है इसका फ्रंट सेक्शन, यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल देखने को मिल जाता है और आपको जो है यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, फुल्ली एलईडी यहाँ पे हेडलैम्प का सेटअप है। इंडिकेटर जो है वो आपको हैलोजिन वाले देखने को मिलेंगे, ये भी एलईडी अगर हो जाए तो वो भी मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट सेक्शन ये हो गया, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग बना हुआ है, ये देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा आपको जो है लुक लगता है फ्रंट की तरफ। इस बाइक के फ्रंट की तरफ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और 270 mm का आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा सिंगल चैनल एबीएस के साथ। और एलॉय व्हील जो है 17 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिलेगा, 90/90 सेक्शन का आपको जो है ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा इसके फ्रंट की तरफ। यहाँ पे इसका जो मडगार्ड है फ्रंट का, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश है प्लस और इसी मडगार्ड के पीछे तरफ जो है आपको वो मैट फिनिश देखने को मिल जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ग्लॉसी प्लस मैट, जो कॉम्बिनेशन अच्छा देता है। यहाँ पे इंजन काउल देखिए आप, यहाँ पे इंजन काउल में आपको इस तरफ जो है RTFI लिखा हुआ है, एस ट्यून्ड, यहाँ पे हाइपर एज लिखा हुआ है, जो लुक जो है ना इसका इनहेंस और कर देता है इस इंजन काउल की तरफ। ये इसका जो है गियर लीवर है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस बाइक में आपको जो है साइड स्टैंड कटअप स्विच भी देखने को मिल जाता है, अगर आपका स्टैंड गिरा हुआ रहता है तो आपका बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ पे मैं इंजन में और एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे जो है ऊपर की इस इंजन का ऊपर का जो कैप है, ढक्कन है, वहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है जो काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है, और वो आपको जो बाहर से देखने को भी पता नहीं चलेगा, वो दूसरे फोरवी में भी ये कलर है, तो अच्छा काफी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और फ्रेंड्स ये है इसका रियर सेक्शन, रियर में आपको जो है मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, और ये जो है इसका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट भी देख सकते हैं काफी स्पोर्टी वाला फील कराता है आपको। इस बाइक में मुझे एक नेगेटिव चीज लगी जो कि है पीछे की तरफ इसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। ये एक पावरफुल बाइक है, फोर वी है, तो कंपनी को जो है इस मतलब फोर वी में जो है वो ड्रम ब्रेक हटा ही देना चाहिए, डिस्क ब्रेक जो है वो देना चाहिए, क्योंकि पावरफुल बाइक में जो है हमेशा डिस्क ब्रेक का उपयोग ज़्यादा जो है बेटर होता है। तो इसमें रियर की तरफ जो है आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, डिस्क देखने को नहीं मिलेगा। टायर जो है वो आपको दूसरे फोर वी से मतलब अपाची आरटीआर 164B दूसरे जो है और मॉडल उसमें आपको जो है 130/70 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको 110/80 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, तो टायर भी थोड़ा सा जो है वो पतला है। तो इस ये जो है दो डिफरेंस है, और यहाँ पे आपको जो है ये टायर हगर देखने को मिल जाता है, टायर हगर की क्वालिटी भी अच्छी है, जिस जो कि आपको बारिश में जो है वो बाइक गंदा होने से बचाता है। यहाँ पे आपको जो है एलईडी टेल लैम्प देखने को मिल जाता है, ब्रेक अप्लाई करने पर इस तरीके का जो है वो आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, काफी ब्राइट लाइट है। और ये इंडिकेटर है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे जो नंबर प्लेट के लिए लाइट है वो आपको हेलोजिन ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से ग्रैब रेल दिया हुआ है, सिंगल ग्रैब रेल है जो अच्छा खासा लुक आपको प्रोवाइड कर देता है। ये इस बाइक का सीट है, ये देख सकते हैं सिंगल सीट है, और काफी वाइड और अच्छा जो है वो सीट आपको देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो है आपको ये पिलियन फुट रेस्ट है क्रोम फिनिश में, मुझे यही ये दोनों कलर जो है बाइक में डिफरेंस लगा, एक आपका मोनोसॉक्स का रेड कलर में, और यहाँ पे आपको फुट रेस्ट जो है पिलियन वो क्रोम फिनिश में मिलेगा, प्लस ब्रेक लीवर और गियर लीवर जो है आपको वो क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाएगा। बाकी इस बाइक में जो है आपको डुअल हॉर्न भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हॉर्न है और उस साइड एक हॉर्न है, जो आपको काफी अच्छा लाउड आपको साउंड इसमें से देखने को मिल जाएगा। चलिए एक बार आपको सुना भी देते हैं, तो देखा काफी लाउड साउंड है जो है वो अपाची 4B में आपको देखने को मिल जाता है, डुअल हॉर्न होने के कारण इसका लाउडनेस जो है और भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका हैंडल बार, टीवीएस अपाची आरटीआर 164B का हैंडल बार है, और हम अगर लेफ्ट हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे आपको हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर जो है आपको इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको अपर डिपर का स्विच मिल जाता है, लोअर और हाई बीम का
और यहाँ पे सामने की तरफ आपको पासिंग लाइट का स्विच देखने को मिल जाता है। मिरर आपको वही जो है राइडर और अपाची आरटीआर वही सेम मिरर आपको देखने को मिलेगा। और हम अगर राइट हैंडल बार की तरफ जाएं तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको जो है नीचे की तरफ सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर आपको जो है वो हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मोड का स्विच देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है। हैंडल काफी वाइड है, आप देख सकते हैं, ये देखिए हैंडल काफी वाइड है जिससे कि आपका लॉन्ग राइड करने में वो आसानी होगा और कंफर्टेबल होगा। और मीटर की बात करें तो चलिए एक बार इसको ऑफ करके ऑन करते हैं। ऑन करने के टाइम जो है कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। और फुल्ली डिजिटल मीटर है जिसमें काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, उसके बाद यहाँ पे आपको ओडोमीटर है। और अगर हम और भी चेंज करें तो यहाँ पे ट्रिप वन, ट्रिप टू, और यहाँ पे आपका हाई स्पीड भी शो करता है। और फ्रेंड्स इसमें आपको जो है तीन राइडिंग मोड देखने को मिल जाएगा। स्पोर्ट मोड है, इसको अगर हम चेंज करें यहाँ पे रेन मोड आ गया, और हम अगर चेंज कर अर्बन मोड आ गया, और फिर आपका स्पोर्ट मोड। तो ये तीन राइडिंग मोड आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर का जो है लाइट देखने को मिलेगा, चेक इंजन लाइट देखने को मिलेगा, एबीएस का लाइट, हाई बीम का आपको लाइट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और ये जो है न्यूट्रल का लाइट है, लो फ्यूल का इंडिकेटर है, और उसके बाद आपको यहाँ पे की का भी एक जो है लाइट देखने को मिलेगा, और फिर इधर आपको राइट इंडिकेटर का लाइट देखने को मिल जाएगा। तो इतने सारे आपको फीचर्स इस मीटर में देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको जो है उसके लिए फोर बी में जो है वो टॉप मॉडल लेना होगा, स्मार्ट कनेक्ट वाला, जिसमें और कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और फीचर्स देखने को मिल जाएंगे उसके मीटर में। यहाँ पे आपको एक छोटा सा आरपीएम के लिए जो है वो लाइट देखने को मिल जाता है। अगर हम इसका की दिखाएं आपको तो ये देखिए, ये वेब की है और कुछ इस तरीके का डिजाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए इस बाइक का राइडिंग पोजीशन आपको दिखाते हैं कि बाइक के ऊपर बैठने के बाद आपका जो है राइडिंग पोजीशन कैसा रहता है, कंफर्टेबल रहता है या नहीं रहता है, तो बाइक के ऊपर बैठ के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैं टीवीएस अपाची आरटीआर 164B पे बैठा हुआ हूँ और राइडिंग पोजीशन देखिए वो जो है काफी अच्छा पोजीशन है, ज्यादा मुझे आगे की तरफ डाउन नहीं होना पड़ रहा है। ये मेरा ये पोजीशन देखिए, मेरा बैक जो है वो डाउन नहीं है, स्ट्रेट बैक है जिससे कि लॉन्ग राइड आराम से कर सकते हैं, आपको कोई बैक पेन नहीं होगा, प्लस आपको जो है वो कंफर्टेबल भी लगेगा। और राइडिंग यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ तो हैंडल जो है वाइड है, तो जिसके कारण और मुझे कम्फर्ट फील इस बाइक में हो रहा है। सीट हाइट की बात करें तो आपको जो है 800 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाएगा इस बाइक में, और सीट हाइट जो है 800 mm जो है वो एकदम ठीक ठाक सीट हाइट है, जिससे कि 5 फीट 4-5 के आसपास के बंदे भी इस बाइक को आराम से राइड कर सकते हैं, और इससे ज्यादा होने पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन 800 जो है 800 mm का सीट हाइट वो काफी अच्छा सीट हाइट है। वेट की बात करें तो 144 kg का इस बाइक का आपको जो है वेट देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। और सीटिंग क्वालिटी और कुशनिंग जो है वो काफी अच्छा है, वाइड सीट है और कंफर्टेबल, आपको बैठने में भी कंफर्टेबल लगेगा, ऐसा कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगा। अब चलिए इसका एग्जॉस्ट नोट्स आपको थोड़ा सा सुनाते हैं कि कैसा आपको एग्जॉस्ट नोट मिलता है इसके एग्जॉस्ट से। तो चलिए एग्जॉस्ट नोट्स सुनते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो अभी बाइक स्टार्ट है, और इंजन साउंड तो ये नॉर्मल जो है स्टार्टिंग के टाइम रहता है। अब थोड़ा सा एक्सलरेशन लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा एक्सलरेशन लेके देखते हैं। और इंजन का साउंड तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, इसका एग्जॉस्ट जो है वो काफी लाउड साउंड आपको प्रोवाइड करता है, प्लस बेस वाला साउंड है, जो कि इसके एग्जॉस्ट से जो साउंड निकलता है ना वो बेसी वाला फील करता है, हार्डनेस है, तो सुनने में आपको जो है वो काफी अच्छा लगेगा इसका एग्जॉस्ट का साउंड। तो फ्रेंड्स ये था टीवीएस अपाची आरटीआर का एक छोटा सा रिव्यू, जितना हो सके मैंने उतना बताने का कोशिश किया, बाकी कुछ अगर छूट गया हो तो वो मुझे माफ कर दें। और अगर बाइक आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं,
इस बाइक में जो है वो ये सबसे मुझे लो मॉडल लगा, क्योंकि इसका जो है वो रियर की तरफ आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, रियर का टायर आपको जो है वो पतला देखने को मिलेगा, प्लस इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा, और इसका प्राइस भी जो है वो बाकी मॉडल के तुलना में कंपैरिजन में वो इसका प्राइस जो है वो भी कम है। इसका अगर हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 1,25,830 रुपीज़ जो है इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगा। ऑन रोड अब मान के चलिए कि 1,00,000 आपको जो है 50 से 55 के बीच या 1,60,000 के बीच आसपास ऐसा जो है वो पड़ेगा इसका एक शोरूम ऑन रोड प्राइस। कंफर्म नहीं हूं मैं, अब अगर आपको कंफर्म प्राइस हमारे पाकुड़ सिटी के स्पीडविल नेक्स्ट जेन का जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शोरूम में, डिस्क्रिप्शन में आपको फुल एड्रेस और कांटेक्ट नंबर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर डाउन अगर आपको ये बाइक ईएमआई पे लेना है तो डाउन पेमेंट की बात करें तो आपको जो है वो 30 से 35 हज़ार के आसपास आपको देना होगा, और भी कम हो जाएगा, बाकी डिपेंड करता है आपके सिविल के ऊपर कि आपका सिविल कितना अच्छा है, उसके ऊपर डाउन पेमेंट जो है आपका वो कम हो जाएगा। तो बाइक जो है मैंने जितना देखा प्राइस के हिसाब से वो बाइक अच्छा है, अच्छा ब्लैक कलरफुल जो है ब्लैक एडिशन है, और ये जो है ये 4B 164B जो है वो काफ़ी पावरफुल बाइक है और अच्छा खासा कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है, माइलेज भी आपको जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बाइक मुझे अच्छा लगा, बाकी आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।